जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, घर बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना रनिंग की जरूरत है, ना कहीं बाहर घूमने की जरूरत है। आप घर पे बैठे बैठे अपनी छत पे कर सकते हो या अपने रूम में कर सकते हो, पर्सनल रूम में। तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, या तो एक बेड शीट ले लो या चादर ले लो या मैट और गद्दा हो तो सबसे बेस्ट है, ताकि आड़ नहीं लगेगा आपको। ये आपको एक्सरसाइज करना है नॉर्मल, जैसे मान लो जो शुरुआत करनी एक्सरसाइज है तो सबसे पहले एक्सरसाइज करना है जैसे नॉर्मल, शरीर को थोड़ा वार्म अप करना है। ऐसे नहीं है कि ये बिस्तर में से उठे और सीधा एक्सरसाइज शुरू कर दी। हर एक्सरसाइज को 10 बार करना है कम से कम। ये नहीं कि आपका फर्स्ट दिन ही हाथ नीचे टिकेगा, नहीं, जितना जाया जाता है उतना जाओ, इतना जाता है तो भी ठीक है, इतना जाता है तो भी ठीक है, लेकिन शरीर को थोड़ा ही लाना है। थोड़ा शरीर हिल गया, अभी थोड़ा शरीर क्या वार्म अप होगा, तो अभी एक्सरसाइज नंबर एक है। सबसे पहले आपको हाथ टेक लो नीचे, हाथ रख लो नीचे, और ये जो पैर है ना ये इधर लेके आना आपको साथ में, ये 10 बार करना है कम से कम। आराम से लिया, कोई जल्दी नहीं है कि फास्ट करना, नहीं, फास्ट में आराम आराम से करो। पीछे वाला पैर क्या है, सीधा रखना है, अब इसके साथ एक्सरसाइज नंबर 2। आराम आराम से लियाओ, तेज नहीं, जितना जल्दी आराम से कर सकते हो उतना करो। एक्सरसाइज होगी 2, एक्सरसाइज नंबर अभी 3। सीधा सीधा शरीर करके, जो उंगली है आपने सीधा पंजे में बिठा टच करना है आराम से 10 बार। घुटनों को मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है टाइट। इधर ही अब एक्सरसाइज नंबर 4। इधर रख सकते हो इन हाथों को, या फिर इधर लॉक कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लग रहे वैसे कर लो। सिंगल पैर, एक पैर कम से कम 20 बार करो, ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना है। अगर आप सही करोगे तो पैर पे अपने कमर वाली चर्बी पे खिंचाव पड़ेगा इधर।
अभी एक्सरसाइज नंबर 5, दोनों पैर मिला के धीरे 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 ऊपर ले जाना 90 डिग्री में, आराम आराम से ले आओ नीचे, ये कम से कम 10 बार करना आपको। होगा 10 बार। अभी इधर एक्सरसाइज नंबर 7, आराम आराम से ले आओ, आराम आराम से करनी एक्सरसाइज को, ये नहीं कि जल्दी जल्दी नहीं। अभी इधर ही क्या है 8, जितना जाता है उतना खोलो पैर को, ये नहीं कि पूरा टेकना जरूरी नहीं, जितना जाता है उतना ले जाओ। शरीर की पोजीशन क्या टाइट होनी चाहिए, कूनी और पंजों पे वेट होना चाहिए, बीच वाली बॉडी को टाइट रखना है, यानी कि पेट नीचे लटक रहा है, जमीन में टच हो रहा नहीं। कम से कम 30 सेकंड रोकना है और हर एक्सरसाइज को 3 बार जरूर करना है। अभी इधर ही एक्सरसाइज नंबर 10, अगर आप ये एक्सरसाइज सही करोगे तो आपके कमर में खिंचाव पड़ेगा। एक्सरसाइज नंबर 11, चल भाई। अब जैसे ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो पूरा शरीर देखो आप, हाथ टाइट, कमर, ये देखो पीछे का पोर्शन, एक्सरसाइज को ऐसे करना है, इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 बार करना है। सामने देखना है, नजर सामने रखनी चाहिए, अभी एक्सरसाइज नंबर 12, ये देखो ये जैसे इस साइड का हाथ है तो इस साइड का पैर है, एक साइड में एक पैर की, एक हाथ की, एक साइड की 5 बार करना है कम से कम। चेन एक्सरसाइज नंबर 13, दोनों ये देखो शरीर को इधर क्या है
रिलैक्स छोड़ देना, रिलैक्स। ये जो माथा है ना अपना माथा, ये जमीन पे टेकना इधर, तो रिलैक्स कति। ये देखो गोल पोजिशन हो गई, इसको भी कम से कम 30 सेकंड रोकना इधर, 30 सेकंड। और इसको तीन बार करना जरूरी है, तीन बार, हर एक्सरसाइज को तीन बार जरूर करना है। चलो एक्सरसाइज नंबर 14। ये सांस कम से कम 20 बार लेना आपको। ये देखो अगर आप सही करोगे तो पूरा ये पेट टाइट हो जाएगा आपका। नजर सामने होनी चाहिए एकदम। बदली एक्सरसाइज नंबर 15। इस एक्सरसाइज में देखने वाली बात देखो, पूरा शरीर देखो। आप इस एक्सरसाइज को बैठने के बाद जरूर करोगे तो आपके क्या घुटनों में दर्द नहीं होगा। जैसे आप बैठे हो कम से कम 5-7 मिनट लगे हैं, 10 मिनट लगे हैं, तो आपके कमर ये खिंचाव पूरा खुल जाएगा, ज्वाइंट खुल जाएंगे आपके पूरे। इसको ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं, 5 बार करो कम से कम। एक्सरसाइज नंबर 16 स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 16 है, कम से कम शुरू में 5 मारनी चाहिए, 5 से शुरुआत करनी चाहिए आपको। फिर धीरे धीरे आप बढ़ाओ, जैसे एक हफ्ते 5-5 मारी, फिर दूसरे हफ्ते 10, फिर 15, तीसरे हफ्ते, तो ऐसे रूटीन को बढ़ाना एक्सरसाइज को। चेंज एक्सरसाइज नंबर 17। ये भी कम से कम एक पैर की 3 बार करो कम से कम शुरुआत के लिए। चेंज एक्सरसाइज नंबर 18। ये देखो आप बॉडी का लुक देखो, चेंज हो जाता है पूरा। जो इधर वाली चर्बी है ना, ये पूरी फिनिश हो जाएगी आपकी। बदली एक्सरसाइज नंबर 19। ये देखो पूरा लुक, ये जो सिक्स पैक है ना, ये सिक्स पैक सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। 5 जो आपको लास्ट वाला एक्सरसाइज बताई है, सबसे बेस्ट है सिक्स पैक बनाने के लिए। बदली एक्सरसाइज नंबर 20। ये देखो एक साइड बॉडी को ले जाना है, एक हाथ में वेट लेके आना है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 3 बार शुरुआत से करना है। अब खड़े जाओ। ये थी 20 एक्सरसाइज सबसे बेस्ट वेट कम करने के लिए। जैसे मान लो खास करके लेडीज के लिए जो घर बैठी रहती हैं, और खास करके जो दुकानदार या फिर वो VIP आदमी है जो ऑफिस में रहते काम करते हैं, उनके लिए सबसे बड़े बेस्ट एक्सरसाइज हैं। और खास करके आपको ये एक्सरसाइज सुबह सुबह करना है, क्योंकि सुबह क्या है, खाली पेट होता है सबका, तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करना है। अगर दोनों टाइम करते हो तो शाम को खाना कम से कम 4 घंटे पहले खाना खाया होना चाहिए। आप पी सकते हो, खा नहीं सकते 4 घंटे एक्सरसाइज करने से पहले। और ये जो लास्ट वाली 5 एक्सरसाइज बताई ना, बैंड और ये जो कई प्रकार 5 प्रकार की बैंड बताई हैं, तो ये सबसे बेस्ट हैं आपके सिक्स पैक बनाने के लिए। सिक्स पैक बनाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये, देख लो आप। ये जो सिक्स पैक है ना, इसका देखो पूरा पेट टाइट है, तो ये क्या है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जय हिंद, जय भारत।